रियल स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने PBR 322 के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे PUC 19 के बारे में या PUC 8 के बारे में। तो PUC जैसा कि नाम से क्लियर है, PUC का मतलब होता है P फॉर प्लाज्मिट और U फॉर होता है यूनिवर्सिटी और C फॉर होता है कैलिफोर्निया। तो इसका नाम PUC क्यों है, क्योंकि इसको सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने बनाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो PUC रखा गया है। अब इसके कई नंबर वर्जन बने हैं, 7 है, 8 है, 19 है, तो इसलिए इसका नाम जो है हम लोग वो PUC कहते हैं, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नाम पे। अब ये जो वेक्टर होता है इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टी होगी जो एक कॉमन वेक्टर के अंदर होता है, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए, तो वो है ही है इसमें। इसके अलावा इसमें एक मार्कर जीन भी होना चाहिए, वो ये मार्कर जीन जो यहाँ पे होगा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ एक विजुअल स्क्रीनिंग के लिए एक एंजाइम सिंथेसिस का भी जीन पाया जाता है, जिसको हम लोग लैगजेट जीन बोलते हैं। तो लैगजेट जीन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मार्कर जीन है, जो कि PUC 19 या PUC के केस में ही पाया जाता है, और किसी प्लाज्मिड में आप इस वेक्टर को नहीं पाएंगे, इस मार्कर को नहीं पाएंगे। तो लैगजेट एक इम्पॉर्टेंट फीचर है एज ए मार्कर जीन फॉर द PUC काइंड ऑफ वेक्टर। इसके अलावा इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मार्कर जीन भी है और वो एम्पिथिलिन रेजिस्टेंस मार्कर जीन है। तो इस तरीके से PUC वेक्टर में लैगजेट और एम्पिथिलिन मार्कर जीन दोनों ही पाया जाता है। अब हम लैगजेट जीन का सिग्निफिकेंस आगे देखेंगे कि स्क्रीनिंग में किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है, किस तरीके से बता रहा है कि जो हमारा होस्ट सेल है वो ट्रांसफॉर्म्ड है या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। इसके अलावा मल्टीपल क्लोनिंग साइट यहाँ होगा ही होगा, और ये MCS के अंदर लगभग 20 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स इसमें पाए जाते हैं, और जिसमें कि हमने कल भी बताया था कि MCS का सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, चॉइस ऑफ एंजाइम, यानी ये चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बढ़ा देता है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट का, या इसको हम एक नाम और कहते हैं जिसको पॉलीलिंकर भी कहते हैं, तो कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस बात को कि अगर आपसे कोई पूछे कि MCS या पॉलीलिंकर का रोल क्या होता है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देता है, यानी कि हमें अधिक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जिससे कि हम अधिक से अधिक एंजाइम के ऊपर विचार कर सके, मोर देन वन एंजाइम का ऑप्शन हमारे पास हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो वेक्टर है, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इस वेक्टर की साइज़ जो होती है वो 2.7 KB होता है। जैसा कि हमने जानते थे कि PBR 322 की जो साइज़ थी वो 4.3 KB थी, लेकिन इसकी जो साइज़ होती है वो 2.7 KB होती है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, PBR 322 और PUC में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है, तो जो स्ट्रक्चरली डिफरेंस है वो तो आपको मैंने बता ही दिया दोनों वीडियो में, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि PUC 8 जो होता है, अगर हम स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये डायरेक्ट स्क्रीनिंग में यूज होता है, किसी भी होस्ट सेल के ये डायरेक्ट स्क्रीनिंग में यूज होता है, ठीक है। लेकिन आप जब उसकी बात करेंगे PBR 322 की, तो वो जो होता है वो इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग में होता है। तो PBR हमेशा इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग कराता है और PUC जो होता है वो डायरेक्ट स्क्रीनिंग कराता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्क्रीनिंग क्या होता है, जब मैं स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स पढ़ाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा। तो आप दोनों डायग्राम अच्छे से कॉपी में बना लेंगे, और अगर कुछ इसमें ना समझ में आएगा, डाउट होगा, तो आप मुझे पूछेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बायोलॉजी में भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी आता है। तो PBR 322 और PUC 1978 एक इम्पॉर्टेंट वैक्टर हैं जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।